मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। सो गाइस नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ माउंटेन राइडर सोनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है संडे एंड टाइम चेक इट्स अराउंड 3:13-14 ऐसा हो रखा है। सो आज हम निकले हैं संडे के दिन। सोचा हमेशा राइड तो करते ही हैं बट आज हमने सोचा कि हम फैमिली के साथ जाएंगे। सो हमारी एक फैमिली राइड होने वाली है टू भूरेश्वर टेम्पल जो अराउंड है 61 किलोमीटर्स के। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। आई गेस कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है टेम्पल का मतलब जो व्यू है वो इतना वाइड है और बहुत बढ़िया है। सो बीच में बस अभी हम यहाँ हैं मनीमाजरा में, तो यहाँ से थोड़ा सा टैंक फ्यूल अप करा के एंड फिर निकलता है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, जो टेम्परेचर है वो राउंड हो रखा है 43, तो वापस अब जंप करते हैं गाड़ी में तो निकलता है। अभी हम चढ़ गए हैं शिमला वाली रोड पे। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, धूप काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। अभी 3 बजे करीब निकले हैं तो थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी रहती है। 3 बजे के करीब निकलोगे तो थोड़ा बहुत ठीक रहता है, अगर 12 बजे निकलोगे तो बिल्कुल ही ठंडी हो जाएगा। बाकी जितना संडे के हिसाब से थोड़ा सा कम है। ना 50 के 3 करने तो कर दो, रहने दो, फिर जाओ। कितने हैं? सारी गाड़ियाँ, पूरा ट्रैफिक है। से वो जो ऑटो खड़ी है ना उधर जाना है। मैसेज क्लियर होना चाहिए। ये है भैया, यहाँ से भूषण महादेव का रास्ता निकल जाएगा, ठीक है ना? सिर्फ नैरो रोड है। हाँ बस ये नैरो रोड, लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ। पहली बार चला रही ऐसे ही, ऐसा बीच बीच में पैचेस अच्छे हैं, फिर गंदे हैं, फिर अच्छे हैं। हाँ बस ऐसे ही। यहाँ से कितना किलोमीटर? नहीं, यहाँ लोग रास्ता, यहाँ ट्रैफिक कम होता है और रोड लोग रास्ता फिर। तो जी हमने ले लिया है चक्की मोड़ से राइट और वहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स है। ध्यान से। ये पुल बहुत ही कमजोर है। ये क्या है? मूली स्काई लॉन्च पार्टी एरिया, ध्यान से। तो बिल्कुल नैरो रोड है, एक लेन वाली रोड, पूरे रास्ते में गाड़ी है पापा, बस हॉर्न मारना और धीरे धीरे चलना प्यार से। चलते रहो चार्ज। अरे ओहो कितना सुंदर ये गाड़ी, पूरा भर भर के जा रही है। अरे आधा राशन हमें भी दे दो भाई। ओ देखो नदी का पानी पूरा सूखा हुआ है, पानी देते हैं। ओ ओ ओ ओ ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड, आराम से पहुंच जाओगे आप, टेंशन ना लो। स्कूटर ये देखिए कौशल्या घाट धाम, अब राइट में रखो, ठीक है हिमाचल का रूल, तो ये राइट साइड में चलना। अच्छा राइट में चलना, राइट राइट, आप ध्यान से चलो बस। इसको जाने देना थोड़ा सा, इंडिकेटर दो क्या जा दफा हो, लेफ्ट हो जाओ थोड़ा सा, जाने दो जाने दो। भैया पूरा दुकान लेके चल रहा है बंदा। तनवर राजपुर, हम आगे है राजपुर। ज्यादा गर्म नहीं है हवा, है ना मम्मी? ज्यादा गर्म नहीं है, थोड़ी गर्म है। पहाड़ों वाली मैगी खाएंगे पत्थरों के बीच। जोहर जी पहुंच गए हैं हम। तो पानी वानी पीना है तो पी सकते हो, काम मेरा पानी नल का। कैसा लगा अभी तक का रास्ता? अरे अमेजिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूरा रास्ता टूटा हुआ, हेलो बाय। भोजनगर 4 जोड़ दिया है नहीं, 10 था उनको। ये क्या है? गाड़ी में बैठ जाओ। जी हम पहुंच चुके हैं नैना टिक्कर एंड टाइम चेक इट्स अराउंड 5:13। बीच में हमने हॉल्ट लिया है, तो यहाँ पे मैडम जी है, उनको लेना है स्टॉल। ये हम नैना टिक्कर की मार्केट में है, तो मुझे लगता है यहाँ से 15 या 13 कितने किलोमीटर्स रह गया होगा। तो काफ़ी ऑफ रोड वाली जर्नी रही, और अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक शेयर कमेंट। क्या लिया जा रहा है? स्टॉल यार अपने को भी लेना है एक स्टॉल। स्पैरो देखने वाली हेलो या स्पैरोज ही गायब हो चुकी हैं। एंड टाइम इट्स अराउंड 5:16। हमारे पराठे आ चुके हैं, इनका तो वही भूख लग रही थी। हम जी खा पी के पेट भर गया सबका, एनर्जी डाउन हो रखी थी। खाना ओके था, बस थोड़ी सी सफाई होती तो और बेटर। तो अभी हम अराउंड 9 किलोमीटर्स यहाँ से रह गया है, और रोड वही जो नाहन की तरफ जाती है वही वाली रोड है ये। चलो जी बम बम बोले। यहाँ से अपने को जाना है राइट, भुरेश्वर महादेव की जय। चलते रहो चलते रहो, ओम नमः शिवाय। हाँ धीरे धीरे पापा, धीरे धीरे चलना, आप इधर सीधे चलते रहो। अपनी साइड पर छोटा मोड़, हॉर्न बजाओ। जितने ये मंदिर आ गया बस। हाँ ये जो गाड़ियाँ खड़ी है आप देख के, तो बड़ा ही सुंदर है जो भी। हम पहुँच गए हैं भूरेश्वर महादेव टेम्पल। मारेगी क्या, मर्डर करेगी नीचे ना किसका, पता नहीं पीछे देखती पता नहीं क्या। जय भोलेनाथ। लास्ट टाइम से बहुत बढ़िया बन गए। तो जी फाइनली धूमधड़ाका करते पहुंच गए। पहले तो रास्ते का अपडेट बताइए, कैसा लगा रास्ता? अमेजिंग रास्ता था। अमेजिंग, मजा आया। भुरेश्वर मंदिर अरे वाह, बावर्ची भी आ रहे हैं, शेफ भी आ रहे हैं, थोड़ा शेफ भी आ गए खाना बनाने के लिए। सो काफ़ी अच्छे टाइमिंग में आया हम। सो फाइनली टाइम हो चुका है 6:11। सो जिस टाइम हम आए थे उस टाइम तो धूप थी, लेकिन अब हम सनसेट के टाइम में आए तो बहुत अच्छा टाइम है। ये देखो ऐसे नहीं, गोल्डन आवर वाले टाइम में हम आए तो इसमें क्या देखने को मिलता है। तो उस टाइम प्रसाद वगैरह कुछ लिया नहीं था, सीधा आए दर्शन करे और चले गए थे। तो इस बारी सारी पर्यटन के साथ आए तो प्रसाद लेते हैं। ओम नमः शिवाय। छोटा अमरनाथ आए हैं, छोटा अमरनाथ। बम बम भोले, हर हर महादेव। आज दोनों साथ चलो। तो जी यहाँ पे हमारे बढ़िया दर्शन हो चुके हैं। कैसा लग रहा आपको, बताओ? अच्छा लग रहा। कैसा लगा के हर हर महादेव? बहुत बेटर। अभी यहाँ पे जो कॉइन डालते हैं इसका, तो अभी देखते हैं किसका बन जाता है। चलो यहाँ थोड़ी ना, वहाँ उस चट्टान पे जिसका कॉइन टिक जाता है उसकी मन्नत पूरी होती है, उस चट्टान पे। गया नीचे नहीं, गया नहीं, गया नीचे नहीं गया। आपने सामने दिखाया नहीं, ऐसे कैसे पता रहेगा? हाँ तो नीचे देखा ना, नीचे नहीं गया। जो कि हमने लास्ट टाइम नहीं देखे थे। हम कहाँ जाएंगे? तो जी आ जाओ, चुपचाप आना बस, क्योंकि हम अभी एक ऐसी जगह पे बैठने जा रहे हैं, बहुत ही सुकून की हम जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो टूरिस्ट थोड़े बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही आ रखे हैं, मतलब जितने एक्सपेक्टेड थे। हाँ जी, तो कैसे रहे दर्शन? हम और आगे चल जाएंगे। गदम है। हाँ वही तो है ना, ये तो वही है जिसमें हम बैठे हुए थे ना। हाँ वो फिसले थे आप पेड़ पे। यहाँ बैठ जाओ, इस तरह होके बैठ जाओ चौकड़ी मार के, गंदा भी नहीं है। कहाँ लेके जाना भैया हमें बता दो। कितनी मेहनत हो रही है। पकड़ देख कैसे रखा है, एकदम जूम करके दिख रहा है। मम्मी अपना बाल कैसे, हेलो घर बन गया हमारा एक तो यहाँ पे घर बनाया जा रहा है, एक दूर में घर विद गार्डन। और अभी टाइम चेक हो चुका है अराउंड 6:57 हो गए हमारे। और हम अब एक तरफ सारे बैठे हैं, हवा इतनी बढ़िया चल रही है ना, बहुत ही अच्छी। यस कितनी अच्छी हवा चल रही है। जो आपको दिख रहा है पाइन, इसको हम टारगेट करना है। कहाँ गया? पत्थरों की शॉर्टेज होगी। यहाँ ये घास पे चलनी है, नीचे जाइए सीधी। बढ़िया आज का संडे मना हमारा भूरेश्वर मंदिर में। गए हैं जूता घर पे, यहाँ से मंदिर का रास्ता है। और कभी आना हो या जाना हो तो यहाँ से जाके आप ट्रैक के लिए आगे जा सकते हो। तो ये देखो जी, ये आई है नैना टिक्कर। सो हम आए हैं उसी ढाबे में जिस ढाबे में हमें मतलब लास्ट टाइम जब मैं भूरेश्वर मंदिर आई थी तब तो कार्तिक के साथ आई थी और एक और राइडर थे भैया हमें मिले। हेलो भैया, बढ़िया बढ़िया। तो मैंने कहा भैया को, भैया के पास ही लेके आते हैं जहाँ पे लास्ट टाइम हम आए थे। और बहुत ही बढ़िया पराठे और चाय मिली थी उस टाइम, है ना, पराठा और चाय लिया था। अंकू ते सोनू का ढाबा। तो जब आप यहाँ भूरेश्वर मंदिर आओ तो इस ढाबे पे ज़रूर चाय और पराठे खाना यार। It's around 11:40 और हम आए हैं हवेली में, धर्मपुर वाली नहीं, ये कसौली वाली हवेली है। और यहाँ पे हमने ऑर्डर करा दिया है रोटी, कढ़ाई पनीर, लस्सी, कूलर। आपका भूरेश्वर मंदिर का विजिट कैसा रहा? अच्छा लगा वहाँ पे। मंदिर का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया बढ़िया। हम भी करते हैं डिनर क्योंकि सबकी एनर्जी लो है। गाइस टाइम चेक इट्स अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे होंगे। तो अपना डिनर हो गया है। सो ये है होटल हवेली एंड फूड इज़ अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है। सो कभी भी आओ जाओ यार यहाँ पे ज़रूर खाना खाना। बस अभी निकलते हैं अब। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग ऑल ऑफ अस अ पार्टी टुडे। अगर आपने भी एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड जो भी नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाकी थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जितना भी आपने बीती की सीरीज है। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।